अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आईटेल विजन वन प्लस। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए इस मोबाइल के प्राइस की, तो 16,000 रुपये इस मोबाइल की प्राइस है और 3 GB 32 GB वाला वेरियंट है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल के प्रोसेसर की, तो 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस मोबाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 9 पाई के साथ रियर साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फेस अनलॉक का भी ऑप्शन आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल के डिज़ाइन की, तो आईफोन 11 प्रो की तरह ही इस मोबाइल का लुक है और ज़बरदस्त लुक के साथ ये मोबाइल आता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल की बैटरी की, तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 10W की चार्जिंग भी इस मोबाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक ज़बरदस्त मोबाइल आप लोगों को 16,000 के प्राइस में देखने को मिलने वाला है। और चलते हैं इस मोबाइल के और स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल के कैमरास की, तो बैक साइड पे आईफोन 11 की तरह ही लुक और डिज़ाइन के साथ 13 MP का मेन कैमरा दिया गया है और इसके साथ 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा की, तो वाटर ड्रॉप नॉच में 8 MP का कैमरा आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। 1080p की वीडियो आप इस फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल के डिस्प्ले की, तो 6.5 inches IPS LCD आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। और रेजोल्यूशन की अगर बात की जाए, तो 720p की रेजोल्यूशन आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलने वाली है, HD+ है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल की सिम सिचुएशन की, तो डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा और 4G LTE ही इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल के लुक और डिज़ाइन की, तो ग्रेडियंट लुक आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा और स्क्रैचेस आसानी से नहीं लगेंगे। और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए, तो पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल इस मोबाइल में यूज़ किया गया है और इस प्राइस टैग में काफ़ी सारे ब्रांड यही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए 15,000 से 18,000 के अराउंड के मोबाइल के, तो और भी अच्छे ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। टेक्नो स्पार 4 और रेडमी 8 है, वीवो Y90 और इन्फिनिक्स ऑट 9 भी आप लोगों के लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और लुक वाइज और डिज़ाइन वाइज, तो ये मोबाइल ठीक ठाक आप लोगों को परफॉर्मेंस भी दे देगा। तो आप लोगों के लिए और भी अच्छे ऑप्शन हैं, आप इस मोबाइल की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल के दूसरे वेरियंट की, तो आईटेल विजन 1 भी एक वेरिएंट इस मोबाइल में आप अवेलेबल है। 2 GB 32 GB 13,000 के प्राइस टैग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल की बैटरी की, तो 4,000 की बैटरी आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कैमरास की, तो बैक साइड पे 8 MP का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरा कैमरा है 0.08 MP का कैमरा आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए इस मोबाइल की फ्रंट कैमरा की, तो 5 MP का कैमरा आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की अगर बात की जाए, तो 6.09 inches की स्क्रीन आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, IPS LCD HD+ रेजोल्यूशन आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर इन्फिनिक्स ऑट 9 के बारे में भी आप लोगों को वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। और इन्फिनिक्स नॉट 7 लाइट और इन्फिनिक्स नॉट 7 का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाइए देखिए, और भी आप लोगों को वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे वीडियो देखने के लिए।